गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस। बालकांड मंगलाचरण। शब्द अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली श्री सरस्वती जी को और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली और सभी कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके चरण कमल ही भव सागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं।